The Daily Show with Muneer Meman. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त गुफ्तगु हो रही है खान साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया जा रहा है, और इस फर्द जुर्म के हवाले से बड़े सारे मामले आते हैं। खान साहब को क्या गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए? खान साहब के पास इस वक्त भी इस फैसले को तब्दील करने का, अपनी फेवर में लेने का कोई वक्त बाकी भी है कि नहीं, ये सवाल जानेंगे। और इसका सवाल पूछने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहब इतिहासकार हैं। इनसे जरा जानते हैं कि जो तब्दीली आ रही है इस हवाले से वो क्या है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या खान साहब के पास अभी कोई वक्त है, कोई मोहलत है कि अदलिया को कायल कर सके अपने हक में फैसला लाने के लिए? जी आपका पहले इस्तेमाल सवाल उसमें ये है कि जो कुछ भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है और जो इसके अंदर वो दी है, अब एक रियायत दी है। देखें, एक वो पॉपुलर लीडर है और उनकी ये सबसे बड़ी अहमियत है कि जो उन्होंने जो ग्रैब की है, अवाम की हिमायत ग्रैब की है और उसका रिएक्शन आ सकता है, तो कोर्ट भी उनको एक जो है टाइम दे रहा है कि देखिए अगर आप माफी मांग सकते हैं, क्योंकि माफी के बगैर उनसे फर्द जुर्म उनके रोका नहीं जा सकता। उसी का एक ही सर, खान साहब माफी मांग तो रहे हैं, जहांगीर साहब माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई हो, तो अगर माफी होती तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती या उसको मुस्तरद करती, कुछ करती, लेकिन वो माफी नहीं है, उसकी क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन तो गुना बदतर अज गुना के, अगर आप जो है एक गुना करें और उसकी दलील भी दे दें कि वो यूं था और यूं था और यूं था, इसका मतलब है आप अपने गुना नहीं मान रहे और उसकी जो है एक्सेप्टेंस आप दे रहे हैं, तो ये वाली है। तो जहांगीर साहब जरा ये फरमाइएगा ना कि जो खान साहब इस वक्त जिस चांस पे मौजूद हैं, खान साहब को ऐसी कौन सी चीज है कि वो गैर मशरूत माफी नहीं मांग पा रहे, या खान साहब को क्या इस चीज का पॉलिटिकल लॉस होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि उनका स्टांस तो है और वो जब अपने स्टांस पे खड़े हो जाते हैं तो बड़े मजबूत रहते हैं। देखिए, वजह ये है कि जो स्टेटमेंट, जो हॉट स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस पर जिस तरह उन्होंने अपने अना का इजहार किया है, वो इस तरह विड्रॉल उनका हो नहीं सकता, उस तरह वो विड्रॉल आसानी से हो नहीं सकता। उनको जवाब देना भी है और उन्होंने जो लाइन ली है उसका तरीका यही है कि वो रिएक्ट करें, प्रोजेक्ट और जो है प्रोटेस्ट करें और वो इसको इस तरह विड्रॉल करेंगे। इसका मतलब है कि वो भी ऐसे ही लीडर है कि वो कुछ दो कदम आगे बढ़ाएं और तीन कदम पीछे हटा दें। लेकिन खान साहब को इसकी सियासी कॉस्ट के बारे में मालूम है जहांगीर साहब, वो समझते हैं कि अगर कहीं ना कहीं इसमें आला अदलिया के साथ मामला थन गए तो फिर उनको एक नाहली का सामना करना पड़ सकता है 6 महीने से लेके 1 साल तक, और ये भी नहीं कहा जा सकता सजा कितनी तवील हो सकती है। एक जो उनको एडवांटेज जो दे रही, जो फ्लेक्सिबिलिटी कोर्ट दिखा रही है कि उनको वक्त वक्त दिया रहा है, 27 तारीख दे दी, मार्च दे दी, पहले भी जो ने 1 हफ्ते का दिया चांस दिया कि वो ये इसको एक ऑप्शन को वो अपना ले। इस दफा उन्होंने क्लेरिफाई किया, अब एक जवाब दिया, रीजन पे चले हैं कि उन्होंने रीजन आउट की किसी चीज को। अब वो मुमकिन है, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो किसी और तरीके से एक वे आउट लेकर वो माफी मांग सकते हैं। एक चांस पे खेला जा रहा है, क्योंकि वो देखिए वो इमरान खान का बयान कितना क्लियर है कि मैं जेल जाने के बाद मजीद खतरनाक हो सकता हूँ, ये खतरा तो मंडला रहे हैं ना। अगर वो कादू ये बयान दरअसल उन्होंने किसको दिया था और किसको मुखातिब करके कहा था? मसला तो ये जो वो तो अवामी जलसे में बात करते हैं ना, तो वो अवामी जलसे जो है अभी रिसेंटली हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं खतरनाक हो जाऊंगा। अब ये एक लिहाज से जो है पॉलिटिकली जो है ना उसका स्टैंड है, दूसरे लिहाज से एक धमकी है। और जब वो इसको देखते हैं वो तो कहीं ना कहीं जो एनआरकी है, जो सैलाब की हालत है, जो मुल्क की हालत है, तो कोई भी इदारा ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता है कि एक नई सूरत हाल क्रिएट हो, आवाम सड़कों पर आए, एजिटेट करें और अमन अमान की सूरत हाल खराब है। तो उसके लिए इन्होंने एक सेफ रास्ता देने की कोशिश की है, क्योंकि अब वो कानून की मजबूरी ये है कि एक फ्रेम में ही माफी मांगी जा सकती है, वो गैर मशरूत अनकंडीशनल माफी होती है, उसके कुछ रीजंस नहीं होती कि मैं ये समझा था, मैं मुझको गुस्से में था, मुझे तो जहांगीर साहब आपको लगता है कि जो मोहलत मजीद दी गई है इसमें जो सूरत हाल है वो काबू में आती हुई नजर आएगी, ये सूरत हाल अफाम तफीम के साथ हल होती हुई नजर आएगी?
अभी कहा ये भी जा रहा है, कहा ये भी जा रहा है कि उनकी कहीं से किसी से कुर्बत हुई है, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्की हालात खराब हैं, आप जो ना इसके लिए जनवरी तक अमन अमान कायम रखें, ये इतना एहतजाज ना करें, विड्रॉल करें अपना, और ये जब बेहतर सूरत हाल आए तो हम आपका इलेक्शन भी करा देंगे, ऐसी डील की भी बात हो रही है। तो इम्कान तो मौजूद हैं कि बात ये ऐसे पॉइंट पे आ जाए जो ये मसला सॉल्व हो जाए, ये जो नॉट लग गई है, जो बंद हो गया रास्ता, वो कहीं खुल जाए, उम्मीद तो यही है। क्योंकि यहाँ तो कहीं ना कहीं जो है दबाव की पॉलिसी चलती है, वो किसी के दबाव में आ जाए या उनकी कोई मजबूरी हो जाए, सियासी मजबूरी हो जाए, उनके सबसे बड़े मसला तो ये है कि अगर वो इलेक्शन का जो मुतालबा करते थे, अब तो इलेक्शन जिम्मी इंतखाबात के नहीं हो रहे हैं, इतनी जल्दी जो है वो इंतखाबात आम इंतखाबात भी नहीं हो सकते, तो उसके अंदर तो सिर्फ वो नारे लगा सकते हैं, एजिटेशन दिखा सकते हैं, अपना प्रेशर इस्टेब्लिश रख सकते हैं, इसके अलावा क्या है। तो उनको मशवरे देने वाले हैं कोई इदारे में। जानकी साहब, अगर इस फैसले की तरफ आऊँ और मैं समझना चाहूँ, इस फैसले के दो आउटकम है, या तो आला अदलिया की जानिब से खान साहब एक फतेहयाब होकर निकलेंगे, या फिर उनको किसी तौर पर पीनलाइज किया जाएगा। मैं दोनों सिनेरियो आपके सामने रख देता हूं। अगर तो खान साहब को बहुत इजीली आला अदलिया रास्ता दे देती है, और आला अदलिया किसी भी तौर पर फर्द जुर्म आयद नहीं करती, एक क्लियर कर देती है आला अदलिया, तो खान साहब की अवामी मकबूलियत में इसका क्या असर होगा, और इसके असरात मौजूदा हुकूमत के ऊपर क्या होंगे? सर देखिए, होता ये पॉलिटिकली जो एफिलिएटेड लोग होते हैं उनके साथ जो होते हैं वो ये मशवरा देते हैं। और देखिए, पॉलिटिक्स में एक ही ये है कि इम्कानात का गेम होता है, तो इम्कान निकाल लेते हैं कि जब ये चीज बंद हो गई है, रास्ता बंद हो गया, एक क्रॉस आया, अब एक हम बंद गली में आ गए हैं तो क्या किया जाए। तो अब ऐसे ये है कि कुछ विड्रॉल भी हो, उनके बयान के पीछे से भी जो है लोग हट रहे हैं, नई सूरत हाल दे रहे हैं, कहीं अंदर का प्रेशर भी उनका पड़ सकता है उन पे, इस वक्त तो आप जो है जान बचाएं, आइंदा तो देख लेंगे, टाइम उनको भी मिल जाएगा टाइम। लेकिन जानकी साहब, अगर इसका दूसरा पहलू देखें, अगर खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है और खान साहब को नाहल कर दिया जाता है 6 महीने साल के लिए, या कोई और तरीके से खान साहब को पिनलाइज किया जाता है, तो खान साहब का इसका ऊपर जो रिएक्शन होगा वो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि ये जो जो जिस इल्ज़ाम के तहत और जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो मुकदमा उन पर चल रहा है, उसमें कहीं भी ये प्रोविजन नहीं बनती कि उन्हें जो है उन पर बैन लगा दिया जाए, इनको इलेक्शन में ना खड़े रहने दिया जाए। और ना तो कर सकते आला अदलिया 6 महीने तक के लिए, 1 साल तक के लिए, नहीं कोई चीज ये इस तरफ तो जाने ही नहीं जाती ना, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो इतनी बातें हो रही हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाल के कि इसको जो है रिकॉर्ड पे 5 मिनट की जो है पनिशमेंट दे के, उसके रिकॉर्ड पे डाल के, एक डेंट डाल के वो जो है वो उसको माफ कर दें और वो आगे की सोचें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि इस वक्त तो किसी के भी हक में नहीं है, किसी भी इदारे के हक में नहीं है, वो कोर्ट हो, कोर्ट भी ये देखती है कि कानून में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से वो वक्त को जो है वो हैंडल कर सकती है, और इदारे भी देखते हैं, सियासी जमातें भी देखती हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि कोई ना कोई ऐसा वे आउट, ऐसी विंडो जरूर खुलेगी जिसकी वजह से ये चीज का मसला हल होगा, फिर ये ऐसे एहतजाज करते रहेंगे और इसी तरह जो है वो प्रेशर करते रहेंगे। लेकिन पहली दफा उन्होंने ऐसा फाउल किया है जो उनको कॉर्नर करने के लिए साफ किए, उसको कहते हैं कि मैं कॉर्नर चला जाऊँ, मैं कॉर्नर चला जाऊंगा, दीवार से लग जाऊंगा तो फिर जो है मैं कॉर्नर जो है वो टाइगर बन जाऊंगा। ये किसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्रेशर क्रिएट करने का, यही तरीका है कि उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। आपको लगता है इसके पीछे पूरा एक थॉट प्रोसेस है, एक पूरी कैलकुलेशन है जो खान साहब इस वक्त जो जिस अंदाज से आला अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं, जिस अंदाज से वो जवाब पेश कर रहे हैं? देखिए, पार्टी की एक पॉलिसी होती है, कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमारे इमरान खान साहब में एक बहुत बड़ा मसला है कि वो चीज़ों को जो ना आउट ऑफ बॉक्स जाके देखते हैं, कर रहे होते हैं, जो चीज़ें टूट फूट जाती हैं वो काबू में नहीं रहते हैं। वो जज्बात का खेल तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो जो है अपनी बाउंड्री से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। फिर उनकी हिमायती उनके हक में बयान देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, नहीं यूं कहा था, यूं कहा था, यूं कहा था,
ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और क्योंकि प्रोग्राम में हमारे पास वक्त महदूद है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त अंदाज से आवाम तक अपनी राय पहुंचाई और आवाम को जो आगाही मिली यकीन तौर बड़ी अहम है। इस वक्त आला अदलिया की अगर बात की जाए तो आला अदलिया का एक बड़ा चैलेंज जरूर है कि पाकिस्तान में इस तरह के जो केसेज हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा वहीं पे अगले केसेस के हवाले से भी मामला तेजी से बढ़ते चले। ये बात याद रहे कि केपीके में ऑलरेडी इस तरह के काफ़ी सारे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, और फिर जहाँ पे एक के ऊपर जो प्रेसिडेंट सेट होगा उसी को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करना होगा जो दूसरे केसेज और मुकदमा होंगे। लेकिन ये सब ये बात तो यकीनी है कि जब ये इतवार गुजरेगी, जब पाकिस्तान में जो एशिया कप और क्रिकेट के हवाले से जो सूरत हाल जब फिर से पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जब फिर से आवाम सियासत के मैदान की तरफ मुतवज्जे होंगी, तो इसमें फिर एक बड़ी शिद्दत नज़र आएगी। ये सूरत हाल ये थमने नहीं जा रही, ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मज़ीद नया मोड़ लेगी और वो नया मोड़ बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब के हवाले से तबाहकारियाँ देखी जा रही हैं वो काफ़ी सारे मामलों को मुश्किलात में डाल रही हैं। उसमें पाकिस्तान की मईशत की बात करें, पाकिस्तान में बसने वाले रहने वाले लोगों की बात करें, पाकिस्तान में काम करने वाले, पाकिस्तान में किसान बरादरी, ताजर बरादरी, हर कोई इससे मुतासर है। और शायद हुकूमत के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर काबू कैसे पाएँ। शायद हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल का इस तरीके से फ़ायदा ज़रूर उठा रही है कि बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मन माने इकदाम करिए जो कि आवाम के लिए किसी भी तौर पर मुफीद नहीं, और जहाँ पर ये सूरत हाल फिर से पॉलिटिकल अटेंशन लेगी, पॉलिटिक्स की अटेंशन आएगी, तो फिर से हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर पड़ेंगी। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान उन्होंने इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।